राजस्थान में दलित विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक रथ यात्रा निकालने का निर्णय राजस्थान में लिया है। इस रथ यात्रा का नाम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा रखा गया है। यह यात्रा जो है धौलपुर से प्रारंभ होकर जयपुर में इसका समापन होगा। पहले चरण में लगभग 33 जिले जो आज की तारीख में गठित हुए 33 जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। शेष बचे जिलों में इस यात्रा को पूरा होने के बाद दूसरा चरण निश्चित किया जाएगा। तो इस यात्रा का उद्देश्य है कि राजस्थान की जनता के बीच में जाकर कांग्रेस सरकार का जो रवैया रहा है दलित विरोधी, महिला विरोधी, तमाम इश्यूज जो आज राजस्थान में खड़े हुए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, हर मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के हर जिले में जा रही है। और लगभग इस यात्रा के समय लगभग 200 छोटी जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं एवं स्वागत के कार्यक्रम राजस्थान में होंगे। इस यात्रा में हमारे साथ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी तथा हमारे दूसरे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा के सांसद माननीय रामजी गौतम जी भी इस यात्रा में लगातार हमारे साथ रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में जब ये यात्रा जाएगी तो खासकर जो बहुजन समाज है, जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित है और वो गरीब कमजोर वर्ग के लोग हैं जिन्हें राजस्थान में प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, वो अब की बार 2023 में मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और हमें भरोसा है कि आने वाली 2023 में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जिताकर बैलेंस ऑफ पावर बनेगी और बैलेंस ऑफ पावर बनकर अपनी सरकार बनाएगी।